मिल गया है कुरान जो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, जो कि उठा दिया जाएगा। ये यहाँ पर किसी ने रख दिया हुआ है और ये कुरान है। ये देखिए अंदर साइडों पे उर्दू में इसके थोड़ा थोड़ा सा तर्जुमा और तफसील लिखी हुई है। तो ये जो है ना, ये यहाँ से उठा लिए जाते हैं और इसमें और इनमें बहुत फ़र्क है। ये देखिए आपको यहाँ से ये मोटाई का भी थोड़ा फ़र्क लगेगा और अंदर से जो है कागज़ भी इसका इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। और वैसे ठीक है, कुरान नकली नहीं है, लेकिन यहाँ पर अच्छी चीज़ रखते हैं तो इसलिए इन लोगों ने एक ख़ास स्टैंडर्ड रखा हुआ है। तो चले, मुझे ये नज़र आ गया तो मैंने कहा मैं ये भी आपको दिखा देती हूँ। तो मैं इस तरफ आई भी थी तो मैंने कहा कि ये मुझे नज़र आ गया तो फौरन से आपको दिखा देती हूँ। छठा कलमा रद्दे कुफर। अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिन अन उश्रिका बिका शैउं अना आलमु बिही व अस्तग़फिरुका लिमा ला आलमु बिही तुबतु अनहु व तबर्रअतु मिनल कुफ्र व शिर्क वल किज़्ब والغيبت والبدات والنميمة والفوائش والبهتان والمعاصي كلها واسلمت واقول لا اله الا الله محمد رسول الله। ترجمہ الہی میں تیری پناہ مانگتا ہوں یا مانگتی ہوں اس بات سے کہ کسی چیز کو تیرا شریک بناؤں اور مجھے اس کا علم ہو اور میں معافی مانگتا ہوں تجھ سے اس گناہ سے جس کا مجھے علم نہیں میں نے اس سے توبہ کی اور بیزار ہوا कुफर से और शिर्क से और झूठ से और गीबत से और बिदत से और चुगली से और बेहयाई के कामों से और तोहमत लगाने से और हर किस्म की नाफरमानियों से। और मैं ईमान लाया और मैं कहता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालिही वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। एक तो ये कलमे याद कर लीजिए, अगर भूल गए हैं तो बच्चों को भी याद करा दीजिए, बच्चों को इसी उम्र में याद करा दें। और ये छठा कलमा कितना प्यारा है, सारे कलमे ही बहुत प्यारे हैं और इसमें कितने कुछ जो है ना बुराइयों से दुआ की गई है कि अल्लाह ताला बस हमें बचा ले और मैं जो हूँ तो माफ़ी मांगता हूँ। तो माफ़ी मांगना बहुत ज़रूरी है और माफ़ी मांगे तो दिल से मांगनी चाहिए। वैसे ही कह देना कि माफ़ कर दो अल्लाह ताला और दिल से माफ़ी ना मांगी हो, और दिल से माफ़ी ना मांगना क्या है, दिल से माफ़ी ना मांगना ये है कि वो काम फिर से करेंगे। तो अगर कोई काम छोड़ दिया है, बुरा लगता है अल्लाह ताला को भी और आपको भी पता चलता है कि आप गलत कर रहे हो, तो छोड़ दें बस ख़त्म, तो माफ़ी मिल जाएगी अल्लाह ताला से भी। लेकिन माफ़ियाँ मांगें ऊपर ऊपर से और फिर अंदर से दोबारा से वो काम करें, इंसानों के साथ भी माफ़ी मांगे फिर वही करें तो फिर तो अल्लाह ताला भी नहीं माफ़ करता और इंसान भी नहीं माफ़ करता, और इंसान तो वैसे ही नहीं माफ़ करता, अल्लाह तो माफ़ कर ही देगा फिर भी लेकिन आजमाना किसी को भी नहीं चाहिए, है ना। अल्लाह ताला तो गफूर रहीम है, वो तो बार बार हम लोग गुनाह करेंगे और वो माफ़ करेगा। माफ़ी मांगते चले जाएँ, माफ़ी मांगना ज़रूरी है। और बस आज आखिरी रात यहाँ पर, सुबह इंशाअल्लाह ताला चले जाना है यहाँ से। तो अल्लाह खैर करे आप लोगों को भी, मैंने कहा यहाँ से मंजर दिखाऊँ आपको, चले करीब चल के दिखाती हूँ जी। तो ये करीब से देख लीजिए, तवाफ़ हो रहा है माशाल्लाह, यहाँ बच्चे भी हैं छोटे, बुज़ुर्ग भी बैठे हुए हैं, कुछ लोग कुर्सियों पे बैठे हुए हैं, बैठे रहते हैं यहाँ पर, दुआएं करते हैं और बस बैठ जाते हैं, जैसे मैं भी यहाँ बस बैठ जाती हूँ और देखती रहती हूँ कि मैं कहाँ आ गई हूँ, देखती रहती हूँ। तो अब चले जाना है और सब यहीं रह जाना है। अल्लाह ताला दुआएं कबूल करे, अल्लाह ताला आप लोगों की भी दुआएं कबूल करे। और ये जगह ऐसी है कि दिल करता है कि बस बैठे रहें। इशा की नमाज़ पढ़ ली है और अभी भी इतना रश है और हर वक्त इतना रश होता है। अब्दुल्ला ने तो अपने कमरे में वो टीवी ऑन किया होता है कि जिस वक्त कम रश हो तो जल्दी जाके हम लोग तवाफ़ कराएं, लेकिन हर वक्त ही रश होता है। मैं वैसे कहती हूँ ये ना देखा करो, बस जब तुमने जाना है तो जाओ और तवाफ़ करके आओ।
घुस जाएंगे, रश में क्या है, बस घुस जाते हैं। ऊपर भी तवाफ होता है लेकिन वो बहुत लंबा तवाफ होता है क्योंकि बहुत लंबा है, तो नीचे छोटा होता है। मैं उसे कहती हूँ जाओ घुसो अंदर और अल्लाह ताला बस कर देता है तवाफ। तो मैं आज गई हूँ, हाँ आपसे ये बात भी शेयर करनी है, आज मैं गई थी, मैंने कहा कि मैं हजरे अस्वद को बोसा देती हूँ और बाकी इसको खाना काबा को ज़रा करीब से छू के देखती हूँ, दुआ करती हूँ। तो करीब से छू के तो देख लिया माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन बहुत रश था वहाँ, कोई जाने का हाल नहीं था। और अल्लाह ताला ने भी ये नहीं कहा कि धिक्के धुक्के दे के तो हजरे अस्वद छू आएँ, तो उस छूने का क्या फ़ायदा और उस बोसे का क्या फ़ायदा। तो फिर मैं उस तरफ गई नहीं और जा भी नहीं सकती थी क्योंकि वहाँ पर इतना रश है, दो तीन बंदों को तो मैंने खुद बड़ी मुश्किल से वहाँ से ज़िंदा निकलते हुए देखा, तो मैं तो फिर वहाँ से दूर ही हो गई। मैंने कहा ये तो जाने की जगह नहीं है, उस वक्त बच्चे नहीं थे पास। तो बहरहाल ये यहाँ की जो है तो सारी रुदाद है जो मैं आपको सुना रही हूँ, बाकी ये है कि बाकी भी सुनाती रहूँगी इंशाल्लाह ताला, जैसे जैसे कोई और बात आएगी जहन में आपको बताती रहूँगी। यहाँ के अब बड़े अरसे तक चलने हैं यहाँ के वाकयात और यहाँ के ख्यालात, है ना, इंशाल्लाह ताला। तो दुआओं में याद रखिए, आप भी दुआओं में याद हैं, और बस रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।